अच्छा याद रखिएगा, इस वक्त एक चीज है, एक एडवांटेज एट 26 2:06 पर निफ्टी के पास जो एक एडवांटेज है जो निफ्टी के बैंक के पास नहीं है वो है मेटल्स। हर्षदा, मेटल्स में गजब की रैली और टाटा स्टील इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और एक और बात कहूंगा कि टाटा स्टील इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता है। हम दो दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि ये चार्ट जनाब अपनी मल्टी मंथ स्लोपिंग नॉर्मल चैनल से बाहर निकल रहा है और अब ये स्टॉक समझ लीजिएगा कि 1 अगस्त 2021 से लेकर जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उससे बड़ी खूबसूरती से बाहर निकलता है। डे हाई पर टाटा स्टील एंड दैट्स एडवांटेज विद निफ्टी, वो एक एडवांटेज है निफ्टी के लिए। डॉलर स्लैब, उसके बाद बढ़ते हैं प्रकाश गाबा के सर के पास। सर प्रकाश सर बताइए आपका ट्रेड क्या है? स्टॉक जो पसंद है आपने बात की उसकी वो है मेटल्स और मुझे पसंद है टाटा स्टील। बहुत बढ़िया आपने रिकॉर्ड मिला है। इसको अगर हायर टाइम फ्रेम में देखें तो और भी हायर मूव्स बाकी है, इसलिए मैं स्टॉक पे लूंगा। स्टॉक होना चाहिए करीब 1220 का, बस अपसाइड करीब 1280 पॉसिबल है। टाटा स्टील याद रखिएगा, सुबह सुबह आपने CNBC आवाज के मंच पे इसकी कॉल पकड़ी थी। आज हमने सुबह सुबह मानस के साथ में डिस्कशन कर रहा था, हमने पकड़ी थी इसकी 1240 की कॉल और वो जनाब कॉल अगर आप देखें क्या गजब चली। और इस वक्त भी मैं कहूंगा कि अगर आपके पास वो कॉल है तो होल्ड करिए। सुबह सुबह मानस जी ने रिकमेंड की थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उस कॉल को होल्ड करिए। मेरे ख्याल से मानस ने, मेरे ख्याल से राजेश सतपुते जी थे और उस कॉल को डेफिनेटली होल्ड करिएगा। ह्यूज ह्यूज अगर आप देखें प्रॉफिट जनरेट किया उस कॉल ने, अब मेरे ख्याल से 43 पे ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशीष बहेती जी से बात करते हैं। आशीष जी बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी का टॉप कन्विक्शन ट्रेड रहेगा वो है एमफैसिस का। स्टॉक में जैसे एबीटीएस में आशीष जी ने बताया, इसमें भी एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है एमफैसिस में भी, और सारे के सारे आईटी काउंटर्स यहां से काफी अच्छे लग रहे हैं। कल शाम के सत्र में हमने यूएस में भी देखा मेटा स्टॉक्स और एनवीडिया जैसे काउंटर्स 5-6% बढ़कर कल बंद हुए। हमें लगता है कि आईटी में जो एक बिकवाली हमने देखी है मैसेज वो ऑलमोस्ट एक एंड पे आ गई और यहाँ से एक वापस नया रन अप देखने मिल सकता है आईटी स्टॉक्स में। तो एम्फेसिस रिपोर्ट पिक रहेगी अभी के लिए 3170 के टारगेट के लिए और 3050 का स्टॉप लॉस लगा है। 3050 का स्टॉप लॉस और एम्फेसिस में भी तेजी का ही ट्रेड इस समय लिया जाए तो देखिए दो तेजी के ट्रेड्स वो भी टेक्नोलॉजी कंपनी में आ चुके हैं। LTTS का जिक्र चतुर्मोता साहब कर रहे थे और आशीष बहेती कह रहे हैं कि एम्फेसिस में एक मौका है खरीदारी करने का। चलिए फटाफट असित वरणपति को भी जोड़ लेते हैं। असित गुड आफ्टरनून, तेजी तो है और तेजी इनफैक्ट कंसोलिडेटेड मूव है बढ़त का 39,000 के ऊपर 39,100 के ऊपर निफ्टी बैंक, निफ्टी में भी जोश। इस समय आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है बताइए? वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, असित के पास लौटेंगे। लेकिन वीरू आई एम श्योर आप भी निफ्टी बैंक पर बस आके टिका कर बैठे हैं सुबह से। ये 39,000 के ऊपर निकलना ये बताइए कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि ये हुआ है हमें हाई पर गए और वहां पर स्टिकी है, उसके आगे एक नया हाई दिन में नहीं बना है, तो संकेत क्या है या फिर थोड़ा सा कॉशियस हो गए आप क्योंकि हम एक्सपायरी में उतर रहे हैं? तो देखिए यही पॉइंट, देखिए हर्षदा हमारे पास दो एडवांटेज है बैंकों के साथ, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स और जो एक ओवर हैंग था पॉलिसी का कि भाई क्या होगा, आरबीआई अपने स्टांस को चेंज करेगा, आरबीआई एक स्ट्रॉन्ग रेट रिवर्सल के संकेत देगा या फिर रेट रिवर्स करेगा, वो एटलीस्ट हमारे सामने से आएगी। आपने जो दूसरी बात कही बिल्कुल सही कही, इट्स एक्सपायरी, ये वो एक्सपायरी है जो इसको शायद अगर आप देखिए थोड़ा सा बैकफुट पर रखेगी, क्योंकि 39,500 यहाँ पे इसने क्या करा, 100-day मासे जंप लिया परसों, कल तेजी, आज तेजी। मेरे ख्याल से इस 39,200 जो कि बजट डे, जो कि पोस्ट बजट डे का हाई है, उसको निकालने के लिए हमें शायद 1-2 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद अगर 39,300 का जोन निकले तो अच्छी बात है। याद रखिएगा अर्थात 39,300 के बाद सही मायने में ये अपनी ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी।
ये थोड़ा टाइम स्पेंड करें यहाँ पर तो वो अच्छा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि निफ्टी के पास वो ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, वो स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स हैं जिसके सहारे वो अपना सफर तय करे। इसलिए मैं कह रहा था कि इस वक्त निफ्टी बैंक पे नहीं, इस वक्त आप निफ्टी पर फोकस करिए, पैसा बनेगा। निफ्टी इस वक्त 17,620 पे एग्जैक्टली क्लियर है। एक दो दिन मेरे ख्याल से हर्षदा यहाँ पे निफ्टी बैंक अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। हर्षदा ओके, तो इन लेवल्स पर शायद कुछ समय लेगा बैंक निफ्टी बैंक और फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डायरेक्टर साहब बताइएगा, आसित अगर जुड़ गए हैं तो उनके पास जाएंगे, तब तक इस समय इस घंटे के जो टॉप ट्रेड्स हैं उस पर फोकस करना शुरू करते हैं। और मेटल स्टॉक्स में आज फिर चमक देखने को मिली है। कल आपको याद होगा इस पूरे पैक का जिक्र हम कर रहे थे, आज टाटा स्टील एक आउट परफॉर्मर है, 1250 के पार कारोबार करता हुआ। इसका साथ अब JSW स्टील भी देने लगा है। सेल के नंबर्स कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन उस स्टॉक में भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखी गई। तो कल से आज में